हम लोग चौपारण घाटी पहुंचे हैं और चौपारण घाटी यहां से स्टार्ट होने वाला है। इधर गाड़ी का हाल चेक कीजिए, पूरा गाड़ी गंदा हो गया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मेरा गाड़ी लोडिंग के लिए जाने वाला है, तो मेरा गाड़ी लोडिंग के लिए नहीं गया था क्योंकि बारिश दो दिन से झारखंड में बहुत हुआ है। तो आज मेरा गाड़ी फाइनली लोडिंग के लिए गया, तो आज मेरा गाड़ी लोडिंग के लिए झालदा गया। झालदा से मेरे गाड़ी में खीरा लोड होने वाला है और गाड़ी लोड कराने के लिए सुधीर भैया गए हैं, तो सुधीर भैया लोड करा के आ रहे हैं। तो अभी हमको यहाँ से डायरेक्ट जाना है नागवा टूल प्लाजा, तो वहीं मेरा गाड़ी आएगा होटल में, तो वहीं से फिर हमको जाना है मीठापुर पटना। तो चलते हैं यहाँ से, तो यहीं से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए चलते हैं पहले गाड़ी पास। तो फाइनली अपना घर से निकल के हम हवाई अड्डा आ गए, तो हमारा गाड़ी भी आ गया है, तो लोड होकर आ गया मेरा गाड़ी। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या मेरा गाड़ी में लोड हुआ है। मेरा गाड़ी में आज खीरा लोड हुआ है, जो कि ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा हाइट भी नहीं लोड हुआ, ज़्यादा गाड़ी में हाइट भी नहीं गया, तो खीरा लोड है पूरा। और इधर एक और गाड़ी लोड होकर आया भोलू वाला, और उधर बिक्की वाला गाड़ी भी पीछे लोड होकर आया है। खाना ना खा के यहाँ से निकलेंगे अभी हम लोग। तो अभी हम नागवा टूर प्लाजा का डाक के यहाँ से निकल चुके हैं। जैसा कि नागवा टूर प्लाजा तो हम लोग का फ्री में ही पार होता है, तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे मतलब पटना वाला रोड में। हम लोग को जाना है पटना मीठापुर मंडी। तो अभी हम लोग चाक से मतलब चतरा के लिए कटेंगे, चतरा मतलब सिंगल सिंगल रोड से ही जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे यहाँ से चाक मोड़, और चाक मोड़ से फिर हम लोग को कटना है बहमर वाला रोड में, जो कि हम लोग को चतरा निकालेगा। तो चतरा जाने से पहले हम लोग यहाँ से कटकम सांडी जाएंगे, कटकम सांडी से सीधा हम लोग को चतरा जाना है 30 किलोमीटर। तो यही चाक मोड़ है और यहाँ से फिर हम लोग माया कटेंगे, और हम लोग चतरा सिंगल रोड से जाएंगे। तो जैसे कि यह सिंगल रोड है और हम लोग इसी सिंगल रोड से चतरा जाएंगे, यहाँ से कटकम सांडी, कटकम सांडी से चतरा फिर जाएंगे। चतरा यहाँ से 66 किलोमीटर दिखा रहा है और हम लोग को चतरा जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से फिर डोभी बॉर्डर चल जाएंगे। तो अभी हम उस सिंगल रोड से निकल के चतरा वाला मेन रोड में आ गए हैं। यहाँ से चतरा 30 किलोमीटर बचा हुआ है और हम लोग फिर चतरा जाएंगे, चतरा से फिर डोभी वाला रोड में हंटरगंज होके जाएंगे। तो हमारे आगे अभी भोलू वाला गाड़ी चल रहा है, क्योंकि सेम जगह झालदा से ही लोडिंग करके आया है, और इसका गाड़ी हम लोग से 30-40 किलोमीटर पीछे ही से खाली हो जाएगा, क्योंकि इसको तीन जगह का माल लेके जाना है, टेटा, मसूरी, जहानाबाद। चलते हैं इसी के साथ साथ, मतलब आगे आगे जाएगा बोल रहा है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं और हमारे पीछे बिक्की वाला भी गाड़ी आ रहा है। हम लोग का तो अलग जगह जाना है, मेरा गाड़ी तो मीठापुर में खाली होगा और बिकी का भी मीठापुर में ही खाली होगा। तो चलते हैं इसी के साथ साथ, अभी घाटी उतरेंगे तीनों साथ साथ, उसके बाद फिर घर से अलग अलग रूट में कटेंगे। फिलहाल हम पहुंचे हैं चतरा, चतरा में हमको नगर पालिका कटाना है। देखिए नगर पालिका कटाने के लिए सब गाड़ी खड़ा है, रोंग साइड से खड़ा है, सब नगर पालिका कटा लिया है। चलते हैं आगे, वहाँ नगर पालिका कटाएंगे जो कि 50 रुपये का कटता है, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ चतरा से। चतरा फिर हमको चतरा घाटी भी हमको उतरना है, तो यहाँ चलते हैं पहले नगर पालिका कटाते हैं। हमारे आगे वाला गाड़ी फिर गया नगर पालिका कटाने के लिए, तो हमको भी जाना नगर पालिका कटाने के लिए। तो यहाँ से नगर पालिका कटा के हम लोग निकल रहे हैं। इधर विक्की भाई भी आ गए मिलने के लिए, तो हमारा गाड़ी है और इधर उनका भी गाड़ी है, जिनका भी लोड हुआ था वहाँ ठीक से नहीं दिखा पाए थे, तभी नगर पालिका कटा लिए। तो यहाँ से निकलते हैं अभी, घाटी उतरेंगे, और घाटी उतरेंगे तो चलते हैं पहले घाटी में। अभी हमारे आगे दोनों गाड़ी हो गया, क्योंकि हम अपना पर्ची नहीं लिए थे इसलिए दोनों आगे आ गया। तो ये चतरा का टाउन है, जो कि ये भी थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में, क्योंकि यहाँ दिन में नो एंट्री पूरा लगा हुआ रहता है, और यहाँ रात में भी दो ट्रक अगर आ जाता है तो यहाँ पर निकलने में दिक्कत होता है और जाम लगता है। अभी तो 11:30 बजे, इसलिए यहाँ जाम का कोई दिक्कत नहीं है, तभी इससे निकलते हैं। चतरा टाउन पार करने के बाद चतरा घाटी मिलेगा, जो कि बहुत खतरनाक है, तभी चतरा घाटी भी हम लोग को पार करना है। और हमको चतरा घाटी पार करके हम लोग को जाना है हंटरगंज वाले रोड से डोभी, डोभी निकलेंगे फिर हम लोग बिहार में इंटर कर जाएंगे। हम लोग चौपारण वाले रोड से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर ओवरलोडिंग का फाइन मराता है, और मतलब गाड़ी चेकिंग अभी ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए तो ओवरलोडिंग का फैन ना मरा, इसलिए हम लोग इस सिंगल रोड से जा रहे हैं, जो कि अलग अलग घुस के जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें किसी प्रकार का रात में चेकिंग भी नहीं लगता, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं इन लोग के पीछे पीछे। तो अभी हम लोग डोभी पहुंचे हुए हैं, ये नेशनल हाईवे दिल्ली कलकत्ता रोड है। तो अभी हम लोग इसे नीचे से लेफ्ट लेंगे और हम लोग गया वाला रोड में चल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से घुसते हैं पुल के नीचे से, अंडरपास से, यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट, जो कि ये वाला रोड है। तो ये रोड से हम लोग गया जाएंगे, पहले जाएंगे बोध गया, उसके बाद फिर गया, उसके बाद फिर हम लोग पटना वाले रोड पर आगे निकलेंगे इसमें कंटिन्यू। तो हम लोग को इसे पटना तो नहीं जाना है, तो यही रोड से हम लोग ही जाएंगे। और सब भी गाड़ी देखिए यहाँ चाय पीने के लिए रुका है, और हम लोग चाय वो नहीं पियेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एक जो आगे वाला गाड़ी जा रहा है वो तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, तो उसी के पास जाके पहले रुकेंगे। तो आगे वाला गाड़ी के पीछे पीछे पहले चलते हैं, क्योंकि वही गाड़ी है जो हमको सिग्नल दे रहा है RTO DTO सबसे, क्योंकि होली का त्यौहार है तो सबसे बच बचा के चलना है, कि अभी के टाइम में RTO DTO ज़्यादा निकलता है, पुलिस चेकिंग ज़्यादा रहता है हार्ड, इसीलिए हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर इस रोड में चल रहा है तो उसको हैबिट है,
वो जानता है कि कहाँ कौन क्या रहता है, उसी के पीछे पीछे भी फिलहाल चलेंगे। तो अभी हम लोग धोबी से निकल के वहाँ से 15 किलोमीटर आगे आए हैं, बोध गया का है, जो कि अभी पूरा चेंज कर दिया गया है, इसको ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से गाड़ी ऊपर ऊपर पारी हो जाए। और ये देखिए बोध गया है, तो अभी हम लोग बोध गया पहुँचे हैं और यहाँ से गया 15 किलोमीटर है। ये भी टूरिस्ट प्लेस एक अच्छा प्लेस है, जो कि पहले बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के चक्कर में अभी खराब दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर बन जाएगा तो उसके बाद ये सुधर जाएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग गया, और गया में हम लोग गया बाईपास होके जाएंगे, टोन होके नहीं जाएंगे क्योंकि टोन में जाम लगता है। अभी अभी बाईपास होके जाएंगे, अभी बोध गया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। गया के लिए हमको यहाँ से राइट लेना है, अभी हम लोग राइट ले रहे हैं। ये वाला रोड मतलब अभी ही बनाया है, जिसके कारण बहुत कोई आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि किधर से मुड़ना है किधर से क्या है। तो यहाँ से अगर आप सीधे जाइएगा तो गया बाईपास चल जाइएगा, क्योंकि अभी कम्प्लीट नहीं हुआ और गया का एक और बाईपास है, तो हम लोग दूसरा वाला बाईपास से जाएंगे। तो यहाँ से सीधा गया जाता है, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर सिर्फ है गया, और हमारे आगे मतलब भूलू वाला गाड़ी जा रहा है, उसके आगे एक मिर्चा गाड़ी जा रहा है, तो सब साथ में जा रहे हैं, किसी की दिक्कत नहीं होगा। चलिए अभी साथ में चलते हैं इन लोगों के पीछे पीछे, उसके बाद फिर हम लोग को टेटा मसौड़ी में थोड़ा सा रुक जाएंगे, उसके बाद फिर बिक्की वाला गाड़ी को साथ लेके फिर हम लोग मसौड़ी होते हुए पटना जाएंगे। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग मीठापुर मंडी पहुँच गए, इधर बिक्की का गाड़ी और मेरा गाड़ी यहाँ खाली में चालू हो गया है। अरे मीठापुर पूरा मंडी है, इधर सारा गाड़ी खाली हो रहा है, इधर गद्दी है पूरा, एक लाइन से पूरा उधर तक गद्दी, ओवर ब्रिज तक, और इधर गद्दी है पूरा, और इधर मतलब पार्किंग साइड एरिया है इधर, और उधर उसका गाड़ी लग रहा है साइड में, उसकी गाड़ी में उसका गाड़ी लगा रहे हैं साइड में, क्योंकि गद्दी में एक और खीरा गाड़ी लगा हुआ है, इसीलिए वहाँ जगह नहीं है। तो देखिए इस तरह का मीठापुर मंडी है। तो अभी फिलहाल हम रस्सी तिरपाल खोल लिए हैं, और रस्सी तिरपाल खोल के समेट दिए, अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए, और फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों को भाड़ा किराया लेके। फिलहाल हमारा गाड़ी अभी अनलोड हो गया है और यहाँ से भाड़ा किराया ले लिए हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से मीठापुर मंडी से, अभी मीठापुर मंडी से निकल रहे हैं, जो कि यहाँ का मंडी भी खत्म हो गया है, ये मीठापुर मंडी। और आज हमारा गाड़ी खाली करने में बहुत टाइम लगा दिया है, इतना टाइम कभी नहीं लगता था। तो आप लोग अगर पटना आते सोच समझ के आए, अच्छा अच्छा पार्टी के पास आइए, तो बहुत टाइम आपका लगने वाला है। ना यहाँ खाने का व्यवस्था, ना बाथरूम का है, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर मीठापुर मंडी में। तो अभी हम लोग यहाँ से फिलहाल अभी निकलते हैं, और एक और हमारे साथ जो गाड़ी आया था वो आगे निकल गया, 1 घंटा पहले ही निकला है, उसी को हम लोग रोक के रखे हैं, तो हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, तो आगे रुका हुआ है, तो चलते पहले उसके पास मिलते हैं और उसके साथ फिर सफर को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग मीठापुर से मसौड़ी वाले रोड में है, और देखिए पूरा यहाँ फ्लाईओवर का काम हो रहा है जोर शोर से, और जहाँ तक कि अभी आप बिहार में जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक आपको रोड एकदम बेहतरीन रोड देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बेहतर रोड बनाने का कोशिश है, और आने वाला टाइम में 6-7 महीना भी लगता है इसको चालू कर दिया जाएगा, जो कि मसौली से मीठापुर कब आदमी आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी मतलब एक नंबर बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, तो बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक इसको भी बनाया गया है। ये वाला जो फ्लाईओवर है मीठापुर से मसौली तक है, देखिए कब तक इसको ओपनिंग करता है, कब तक इसको चालू करता है। तो है गाइस, तो अभी हम लोग नेशनल हाईवे पर चढ़ के मसौली पहुंचने वाले हैं। तो ये वाला जो हाईवे है ये मतलब मीठापुर से मसौली तक के लिए है, और ये वाला हाईवे मतलब पूरा उधर से जो फ्लाईओवर जो आप लोगों को पहले दिखाए थे, तो फ्लाईओवर पर मसौली तक के लिए बना रहा है। तो वो वाला फ्लाईओवर मीठापुर से 8 किलोमीटर तक के बना हुआ, बाकी हमको इस हाईवे में चलना है। ये हाईवे ढोली तक अभी बना हुआ है, क्योंकि पूरा बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो इस हाईवे से बनने से फायदा है कि हम लोग को मसौली टाउन में जाम में नहीं फंसना पड़ता है, और जहानाबाद भी तो कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो जहानाबाद हम लोग जाम में फंस ही जा रहे हैं, लेकिन अभी जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा हम लोग को जहानाबाद में भी जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, गया के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, और बाईपास होते हुए हम लोग डायरेक्ट बोध गया में निकलेंगे और वहाँ से फिर धोबी। इससे इस रोड से बनने से फायदा है कि हमारा सफर बहुत ईजी हो जा रहा है, बहुत आसान हो जा रहा है, और हम कम टाइम में धोबी पहुँच जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए ये रोड अभी क्यों बना हुआ है, क्योंकि अच्छा बना हुआ है, मतलब बहुत अच्छा है, इसमें मतलब चलने में टाइम का पता ही नहीं चलता, और हम लोग तुरंत ही मीठापुर पहुँच गए थे रात में कब सुधीर भैया मीठापुर लेके चल गए थे हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि रोड पूरा बन गया है। 8 किलोमीटर तक जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें सिर्फ सिर्फ दिक्कत होता है, हम लोग को लग रहा है बुक, क्योंकि 10 बज गया दिन का, और हम लोग को लग रहा है बुक, तो हम लोग को खाना भी खाना है, हम चलते डायरेक्ट होटल में मिलेंगे आप लोग, देखते गए होटल सही था मिलता है तो वहाँ रुकेंगे और खाना ना खाएंगे। अभी हम लोग जहानाबाद पार करके रुके हुए हैं, यहाँ एक होटल है, इधर होटल है, तो यहाँ होटल में ही हम लोग खाने के लिए जाएंगे। इधर गाड़ी भी लगा दिए हैं साइड में, इधर मतलब बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, तो यहाँ से लगा के चलते पहले होटल में खाना खाने के लिए। 10:30 बज गया और बहुत जोर से भूख भी लगा हुआ है, तो यहाँ गाड़ी लगा दिए हैं फिलहाल, और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इधर हम लोग का खाना लग के आ गया, इधर सुधीर भैया का भी खाना आ गया है, तो हम लोग दोनों जन खाने जा रहे हैं। ये हम लोग का देखिए
चावल दाल भुजिया और आलू मटर का सब्जी है, तो अभी फिनिश करते हैं इसको। सुधीर भैया खाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी हम भी खाने जा रहे हैं और फिर खा के निकलते हैं यहाँ से होटल से। अभी हम लोग पहुँचे हैं डोभी चेक पोस्ट, और ये डोभी चेक पोस्ट है, यहीं से चेकिंग वेकिंग होता है दारू वारू का। तो उधर से आने टाइम आप लोग को दारू चेक होगा, और इधर से जाने टाइम सिर्फ टीपी हम लोग का चेक होता है। अभी तो हम लोग टीपी चेक करवाएंगे। ये जो सीधा लाइन है वो सीधा मतलब छोटी गाड़ियों के लिए है, और बड़ा गाड़ी मतलब इधर बाएं साइड से जाता है, जो कि वहाँ टीपी चेक होता है, और बड़ा गाड़ी का ओवरलोडिंग कागज सब कुछ इसमें चेक होता है। तो अभी हम लोग चौपारण पहुंचे हैं, और चौपारण पूरा खीरमोहन का मतलब जगह से फेमस है। यहाँ पर खीरमोहन मिठाई बहुत अच्छा मिलता है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर इटखोरी वाले रोड में। और इटखोरी वाले रोड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बरही से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बरही वाला में टूल प्लाजा लगता है, जो कि बहुत महंगा है। इसमें किसी प्रकार का टूल प्लाजा नहीं है, 10 किलोमीटर सिर्फ लंबा है, जाम भी थोड़ा थोड़ा लगता है बरही वाला में दिन में। तो अभी हम लोग इटखोरी होकर हजारीबाग के लिए निकलेंगे, तो यही रोड से। तो इधर देखिये पूरा खीरमोहन का ही दुकान है, जो कि ये जगह पूरा खीरमोहन से फेमस है चौपारण। इधर गाड़ी का हाल चेक कीजिए, पूरा गाड़ी गंदा हो गया, तो इसको धुलाना भी पड़ेगा। और इधर पूरा मिट्टी विट्टी लग गया, इसको पूरा धुलाना भी पड़ेगा पूरा, मतलब कीचड़ में बरात में फंस गए थे, क्योंकि न्यू वाला हाईवे जो बन रहा है उसमें फंस गया था कीचड़ में, तो पूरा गाड़ी गंदा हो रखा है, तो इसको भी धुलाना है। पूरा एकदम कीचड़ लगा हुआ है, इसको धुलाना है। और आगे से देखिए इसका हाल, पूरा पूरा मतलब कचरा लगा हुआ है, तो इसको भी धुलवाना है। तो जाएंगे अभी सर्विस सेंटर लेके सुधीर भैया, हम तो घर चल जाएंगे और ये धुलवा के, और उसके बाद फिर कल हम लोग को गाड़ी भी बनवाना है, क्योंकि गाड़ी में कुछ कुछ आवाज़ आ रहा है, इसको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि रात में गड्ढा में फंस गया था इसलिए आवाज़ आना चालू हो गया। अभी हम लोग इटखोरी पहुंच गए, और यहाँ से सीधा भद्रकाली जाता है। यहाँ से जाना है हम लोग को हजारीबाग, हजारीबाग के लिए हम लोग बायां मुड़ेंगे, और हजारीबाग यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो अभी हम लोग बायां मुड़ेंगे। और ये वाला रोड जो सीधा जाता है वो भद्रकाली मंदिर जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत फेमस है, तो हम लोग इधर मुड़ेंगे। तो हम लोग को यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर हजारीबाग जाना है। अभी हम लोग इटखोरी से 30 किलोमीटर आगे आके इटखोरी मोड़ पहुंचे हैं, तो यहाँ से हम लोग हाईवे पकड़ के नागवा टूल प्लाजा के लिए जाएंगे। तो यहाँ से नागवा टूल प्लाजा ज्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर है, तो अभी हम लोग यहीं से जाएंगे, और 20 किलोमीटर जाने के बाद हमारा घर आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।